नमस्ते मेरे प्यारे YouTube फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करूंगी आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हम लोग भी अच्छे हैं। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल स्वाति भक्ति एंड ब्लॉग में। दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ शारदीय नवरात्रि 2023 के सारी जानकारी। साथ ही साथ दोस्तों, इस बार मैं आप सभी को बताऊंगी कि शारदीय नवरात्रि में किन राशियों की चमकेगी किस्मत और बनेंगे करोड़पति। जी हाँ दोस्तों, इस बार शारदीय नवरात्रि बहुत ही खास होने वाला है। कहा जाता है कि कोई भी कितना भी कष्ट में हो, अगर माँ दुर्गा का इस बार विधि के अनुसार पूजा पाठ करेंगे तो उनका कष्ट जरूर दूर होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि आप सभी को पता है, साल भर में कुल दो नवरात्रि मनाया जाता है, एक चैत्र नवरात्रि और दूसरा शारदीय नवरात्रि। नवरात्रि यानी कि 9 दिन माँ दुर्गा का अलग अलग स्वरूप का पूजा पाठ किया जाता है। इस बार 2023 में शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर से प्रारंभ होने जा रहा है। 15 अक्टूबर को माता रानी का पहला पूजा किया जाएगा और शारदीय नवरात्रि 25 अक्टूबर तक चलेगा, यानी कि 25 अक्टूबर को शारदीय नवरात्रि का दशमी मनाया जाएगा। इसी में देखा जा रहा है दोस्तों कि कुछ खास ऐसे राशि हैं जिनका इस शारदीय नवरात्रि में चमत्कार जरूर होगा। उन राशियों वालों को कहीं ना कहीं से धन का लाभ जरूर होगा। आइए दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन है वह खास राशियों वाले व्यक्ति जिनके लिए शारदीय नवरात्रि बहुत ही ज़्यादा शुभ होने वाला है। तो पहला राशि है जिसके लिए शारदीय नवरात्रि बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली होने वाला है, वह है कुंभ राशि। कुंभ राशि के व्यक्तियों को शारदीय नवरात्रि में कहीं ना कहीं से धन का लाभ जरूर प्राप्त होगा। कहा जा रहा है कि कुंभ राशियों के लिए इस बार का शारदीय नवरात्रि बहुत ही खास देखा जा रहा है। अगर वह लोग विधि के अनुसार पूजा पाठ करेंगे तो उनके घर में धन की लाभ जरूर होगी। करना आपको यह है कि आप नित्य दिन माँ दुर्गा का पूजा जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ माँ दुर्गा को 10 दिन लाल रंग का अड़हुल जरूर अर्पित कीजिएगा, आपका कल्याण होगा। वही दूसरा राशि है जिनके लिए इस बार का शारदीय नवरात्रि बहुत ही खास होने वाला है, वह है तुला राशि। तुला राशि के पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए बहुत ही खास होने वाला है शारदीय नवरात्रि। कहा जा रहा है कि तुला राशि वाले व्यक्तियों का अगर कहीं पे भी पैसा अटका हुआ है, जहाँ पे बार बार प्रयास करने से भी उन्हें पैसा प्राप्त नहीं हो रहा है, व्यवसाय में बार बार घाटा लग रहा है, तो इस बार छप्पड़ फाड़ के आपके घर में धन आने वाला है। आप सभी को माता रानी को 10 दिन पूजना है और ध्यान रहे कि जब आप माता रानी को पूजेंगे, पूजा पाठ करेंगे, तो माता रानी के थाली में यानी कि आरती के थाली में आपको 10 दिन कपूर जरूर जलाना है, आपका कल्याण होगा। तीसरा राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के व्यक्तियों के लिए भी शारदीय नवरात्रि बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। कहा जा रहा है कि मिथुन राशि को अगर नए नए नौकरी की तलाश है या किसी भी तरह से पैसा में घाटा लग रहा है, पैसा का उन्नति नहीं हो रहा है, तो माता रानी उनके ऊपर कृपा जरूर करेगी और उन्हें सफलता जरूर प्राप्त होगा। करना आपको यह है कि अगर आप पूजा पाठ किसी कारण से नहीं कर सकते हैं तो कम से कम किस दिन में कोई भी पहर माता रानी का ध्यान लगा करके और आपकी जो भी मनोकामना है माता रानी को जरूर बोलिएगा और संध्या आरती में कम से कम मंदिर या घर में उपस्थित जरूर रहिएगा, आपका कल्याण होगा। चौथा राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के व्यक्तियों और महिलाओं के लिए भी
इस बार का शारदीय नवरात्रि बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। कहा जा रहा है कि कन्या राशि के व्यक्तियों को अगर किसी भी तरह से पैसा की प्राप्ति नहीं हो रही है, माँ लक्ष्मी घर में नहीं रुक रही है, तो उनके लिए भी इस बार का शारदीय नवरात्रि बहुत ही ज्यादा शुभ होने वाला है। करना आपको यह है कि माता रानी को 10 दिन धूप दीप जरूर दिखाइएगा, यानी कि गोईठा उपला जलाइएगा, उसके ऊपर धूप डालिएगा और इस तरीका से माता रानी को आरती जरूर कीजिएगा। आप यह कार्य दिन भर में एक बार कर सकती हैं, चाहे सुबह करें या संध्या करें, और आपका अगर इच्छा है तो आप दोनों समय कर सकती हैं। आपका कल्याण होगा, माँ लक्ष्मी आपके घर में जरूर आएगी। पांचवा राशि है धनु राशि। धनु राशि के व्यक्तियों के लिए भी इस बार का शारदीय नवरात्रि बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। कहा जा रहा है कि धनु राशि के व्यक्तियों को अगर कहीं से भी धन की प्राप्ति नहीं हो रही है, घर में धन की उन्नति नहीं हो रही है, तो शारदीय नवरात्रि उनके लिए इस बार बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। करना आपको यह है कि माता रानी को लाल रंग का तो पुष्प जरूर चढ़ाइएगा, साथ ही साथ माता रानी को कनेल का भी फूल जरूर चढ़ाइएगा। अगर आपके लिए रोज चढ़ाना संभव नहीं है तो कम से कम शारदीय नवरात्रि के पहला दिन यानी कि 15 अक्टूबर को और अंतिम दिन 25 अक्टूबर को माता दुर्गा को पीला रंग के कनेल का माला बनाकर जरूर पहनाइएगा, आपका कल्याण होगा। अंतिम राशि है जो कि छठा राशि होने वाला है और बहुत ही खास होने वाला है, मकर राशि। मकर राशि की महिलाओं और पुरुष के लिए भी इस बार का शारदीय नवरात्रि बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। करना आपको यह है कि माता रानी का नित्य दिन पूजा पाठ जरूर कीजिएगा और माता रानी को पहला दिन आप सभी को केले का भोग लगाना है। माता रानी को केले का भोग लगाइए और आपके जो भी मनोकामना है माता रानी को जरूर बोलिएगा, आपका कल्याण होगा, आपके घर में भी छप्पड़ फाड़ के पैसा की बारिश जरूर होगी। तो यह थी कुछ खास 6 राशियों के व्यक्ति और महिलाओं जिनके लिए शारदीय नवरात्रि बहुत ही ज्यादा शुभ होने वाला है। अगर आपका राशि फल मैं नहीं बोली हूँ तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपके राशि के अनुसार आपको बताऊंगी कि आपका शारदीय नवरात्रि कैसा रहेगा, क्या करने से आपके घर में धन की उन्नति होगी, क्या करने से अलक्ष्मी बाहर जाएगी और क्या करने से माँ दुर्गा आपको आशीर्वाद जरूर देगी। तो अगर आप अपना राशि कमेंट कीजिएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। उम्मीद करूंगी आपको यह वीडियो बहुत पसंद आएगा। पसंद आने पर प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्राप्त हो। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।